शाजापुर में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल कई दिनों से जारी देख पूर्व मंत्री एवं क्षेत्र विधायक हुकुम सिंह कराड़ा पहुंचे धरना स्थल पर और धरना स्थल पर जाकर व्यापारियों से बात कर सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री एवं क्षेत्र विधायक हुकुम सिंह कराड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बेचारे, इनको ना तो कोई स्थायी वेतन मान मिलता है और कोरोना काल में, जैसा सब जानते हैं कि इनने जो बात रखी थी कोरोना काल में, यह लोग किसानों के माल लेकर उनके माल की तुलाई करते थे और सरकार का आदेश का पालन करते थे। ऐसी स्थिति में इनके साथ आज दोहरा व्यवहार हो रहा है और इनकी हम निंदा करते हैं। शासन से अपेक्षा करते हैं कि इन छोटे तथ्य के कर्मचारियों को थोड़ा मदद करना चाहिए। 75 दिन हो गए उनको बैठे बैठे, लगभग आज तक कोई बात करना नहीं चाहता है और बात करते हैं तो दोयम दर्जे के लोग आते हैं और जो जिनको बात करना चाहिए, जिनको इन्हीं किसानों ने इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, नेता बनाया और सर्वमान्य नेता बनाया, आज उनका बोलबाला है। पर उनने 70% जो किसान खेती पर आधारित हैं, खेती किसानी करते हैं, वो अन्नदाते लोगों के साथ की गई है और उनको अमानवीय व्यवहार हो रहा है। 150 से 200 लोगों के बीच लोग मर चुके हैं। एक शब्द सरकार की तरफ से ये घोर निंदनीय बात है और मैं इसका विरोध करता हूँ। उनकी जायज मांग को मानना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। जो देश का अन्नदाता है, लोगों का पेट भरता है, परंतु उनकी ये दुर्दशा है। इस लोकतंत्र की हत्या का पूरा पूरा प्रयास है और तानाशाही का रवैया पूरे देश में फैलाने का जो ये प्रयास हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये बेचारे, इनको न तो कोई स्थायी वेतनमान मिलता है और कोरोना काल में, जैसा सब लोग जानते हैं और इन लोगों ने भी बात रखी थी कि कोरोना काल में ये लोग तुलाई करते थे, किसानों का माल लेते थे और सरकार के आदेश का पालन करते थे। ऐसी स्थिति में भी इनके साथ आज दोहरा व्यवहार हो रहा है और इसकी हम निंदा करते हैं और शासन से अपेक्षा करते हैं कि इन छोटे तबके के कर्मचारियों को थोड़ा सा मदद करना चाहिए और संस्थाओं को जीवित रखने के लिए उनका कमीशन मिलना चाहिए और इस कमीशन के लिए ये लोग जो जायज मांगे लेकर बैठे हैं, इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी को यहाँ आकर इनसे चर्चा करना चाहिए और उस बात को राज्य सरकार के समक्ष कैबिनेट में उठाना चाहिए, यह हम इनसे अपेक्षा करते हैं। दूसरा किसान भी शाजापुर से संवाददाता हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।